कल कहीं से वो बोल रहा था ना मनुआ कि अब हमारे हम सबके सब्र का इंतहाम लेगी ये, क्योंकि विकास के तो सब्र का बांध तोड़ी दी थी। अलिया ठीक किया जी जी, हाँ ठीक किया, बोला था ना याद है, बोला था कि हमसे तो कोई ऐसे बात ही नहीं कर सकता, वो बिकसवा से करती थी तो जो भी चीज नहीं। क्या हुआ कल, वो जब बात चल रही थी अली मनु और निक्की की, तो मैं वो बोल रही थी कि वो बोली कि उसका पहले से ही गर्लफ्रेंड है सब है। और एक बात बताएं जी जी, हमके तो लगता है ना कि ये जो नहीं बिकसवा था, तब बोलती थी कि विकास के वीकेंड कबार में कुछ नहीं बोला कुछ नहीं बोले, इसको ज्यादा अफसोस था विकास के चक्कर में सलमान उसको भी कुछ कुछ बोलेगा और उसको थोड़ा फुटेज मिल जाएगा वीकेंड के बाद, मिला ही नहीं बेचारा। क्या लड़ी हो जी जी तुम तो गुलाबों से, चुड़ैल के तो तुम जो आज झोटा नोच नोच के मार, तो लड़ने लायक है, कब से हमको ललकार रही थी मार के दिखाओ मार के दिखाओ, तो मार के दिखाएंगे ऐसे चुपना बैठेंगे। हाँ इससे चुड़ैल लोग को ना मार ही देना चाहिए, जैसे बिकसवा कैसे पानी में धक्का दे दिया था अर्सिया के, अब रुबीना के साथ लड़ रही है, रुबीना भी कहीं गुस्से में आके वो ना कर दे, कल कहीं से वो बोल रहा था ना मनुआ की अब हमारे हम सबके सब्र का इंतहाम लेगी ये, क्योंकि विकास के तो सब्र का बांध तोड़ ही दी थी, तो धक्का दे दिया वो निकल गया बाहर निकाल दी को। और उसके एक वो मलाल भी नहीं है जरीको दीदी, अब कहे कि मलाल रहता ना था और किसी के साथ, हाँ, नहीं करती अभी भी वो कल मनुआ के पीछे वो कंटिन्यू किए भी, हाँ, कंटिन्यू सही बोली, हाँ, फिर राहुल के पीछे पीछे भाग रही थी, ओकरे साथ कोई ना कोई भिड़न करने की कोशिश कर रही थी। अलिया ठीक किया जी जी, हाँ ठीक किया, बोला था ना याद है, बोला था कि हमसे तो कोई ऐसे बात ही नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, वो बिकसवा से करती थी तो जो भी चीज होती है हमसे नहीं। हाँ जी जी एकदम ठीक रुआब रखा है अपना उस शो में। पर कल हमको ना एक बात में वो सही लगी बिचारी, क्या हुआ कल, वो जब बात चल रही थी अली मनु और निक्की की, तो मैं वो बोल रही थी कि वो बोली कि उसका पहले से ही गर्लफ्रेंड है सब है, वो राखी और कश्मीरा बोल रही थी, फिर अली आके ओके बोला कि ये बोल रही थी, तो अच्छा, वहाँ पे हाँ, सही थी हाँ, बाकी तो वो गलत ही हमको गलती रहती है जी जी, हाँ, पता है कि जबरदस्ती वो दिखती है जी, दिखती जी है उसको मालूम है कि आप कैसे दिखेंगे कैसे दिखेंगे। और एक बात बताएं जी जी, हमके तो लगता है ना कि ये जो नहीं बिकसवा था, तब बोलती थी कि विकास के वीकेंड कबार में कुछ नहीं बोला कुछ नहीं बोले, इसको ज्यादा अफसोस था कि हम इतना मेहनत कर रहे हैं विकास के पीछे और तभी भी कोई कुछ नहीं पूछा, तो इसको इसीलिए उसको मिर्चे इधर लगा हुआ था, सही बोली, वो चीज विकास पे झोंक रही थी, लग रहा था कि विकास के चक्कर में सलमान उसको भी कुछ कुछ बोलेगा जी जी। और उसको थोड़ा फुटेज मिल जाएगा वीकेंड के बाद, मिला ही नहीं बेचारा, मिला ही नहीं, ये आज ठीक करेगी 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 ठीक, देखा नहीं कल कैसे बोल रही थी कि हर मुद्दा ढूंढती है मुद्दा, कल अली बोला था खाओ वजन बढ़ाओ, तुम बॉडी शेमिंग करती हो बॉडी शेमिंग करती हो, तो सही किया कि हम तो दिमाग का सच्चे दिमाग का है, और बोल रही थी कल, फिर अली सही बोला कि जनता तो देख ही रही है सब, जनता जानती है सब, जनता पागल नहीं है, पागल थोड़ी ना सब, सही बोली। आज की भी लड़ाई में तो ये बॉडी सेविंग का पूरा मुद्दा हो ही रहा है, बना रही है ये मुद्दा बना रही है अर्सिया, और कुछ मिल नहीं रहा ना, तो देख रही है कि रुबिनिया तो ताकतवर है, सब चाह रहा है कि रुबिनिया के साथ लगे, तो खास के रुबिनिया से लड़, हमको तो लगता है वो समझ गई कि अब रुबिना के साथ लड़ूंगी तो थोड़ा तो हमको मिलेगा फुटेज, वो बस फुटेज ढूंढती रहती है, हमको तो लगता है कैसे बोल रही है रुबिना को, अपनी शक्ल देख अपना अपना ये देख, मार दूंगी इसको तो मैं, मार के दिखाओ, हमको भी गुलाबो बोली थी मार के दिखाओ मार के दिखाओ मार के दिखा, अरे हमने चुटिया पकड़ ली थी, हाँ कैसे ओके हमने चुटिया पकड़ के ऐसे मारे, ओके चुटिया से मारे थे, देखो ना ढीला भी हो गया, हाँ कोनो बात नहीं, वो लाया की है कल पूरा चोटी खोल के ना उसको, उसका ही चोटी करके वो करेंगे, जी जी वो तुमरे उनके बीच और तुमरे बीच खाली आग लगाती है, वो डोरा डालती है डीडी जी जी, हम बता रहे अब नहीं लगा पाएगी, अब सपने में भी हम उसको काली माँ का रूप दिखाएंगे, देख लेना, और तुमसे तो तुमरे वो इतना प्यार करते हैं हस्बैंड, तो तुम तो उससे लड़ो ही मत जी जी, खराब कुछ बोलती है अर्सिया, उसको बोलने लगी है ना रुबिनिया के कि खराब औरत है, तो तुम बहुत अच्छी औरत हो, हम कम से कम ऐसे जबरदस्ती से सबसे लड़ती नहीं रहती है, कमर कस के ऐसे करती है। और एक कल आज की प्रोमो में ऐसे बोल रही है ना कि पंगा किससे ले रही हो, अरे वो तो बकत बताएगा तुम किससे पंगा ले रही हो, मार के जाऊंगी मार के, तुमको ही छोड़ देगी रुबिना, कैसे तंतना के रुबिना आई एकदम की झोटा उबार लूंगी, वो तो नेशनल टेलीविजन है, इतने नहीं आके वो खड़ी हो जाएगी जीजी की, चल मार के दिखा, पहले भी ऐसा हुआ था, वो जाके बिचारी छोटी सी थी पर लड़ी, हाँ
किकरा सामने तो हमको याद नहीं आ रहा, खूब लड़ी मर्दानी झांसी वाली तो रुबीना रानी, तो रहुलवा तो उसको रानी बना ही दिया, तो रानी है। अभी खत्म होगा कहानी की, कहानी शुरू होगा, शुरू होगा, शुरू होगा। लेकिन मनुआ बड़ी अच्छा लग रहा है जी, मनु अच्छा सबसे अच्छा खेल रहा है। निकिया मनुआ का बताओ जरा, कहा चल रहा है हमरे तो ये सब फुसफुस गुटरगुने को तो हम बताते हैं। कल हम ऐसे देख रहे थे तो हमको एक बात समझ में आया, निक्की जब से बाहर गई ना उसको ऐसा सदमा ऐसा झटका लगा है ना कि मतलब हम तो दिख रहे थे, हम कैसे बाहर हो गए। अब जब वो वापस आई है तो एकदम शांत, बस सोच समझ के मुद्दा ढूंढ रही है, ऐसे ही नहीं कोई भी मुद्दा में घुस रही है, देख रही है इसमें घुसू कि नहीं नहीं घुसू। पहले तो सबके मुद्दे में बोलती थी, पीछे पकड़ 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 चालू रहता था उसका, लेकिन अब नहीं, अब होकर मुंह भी देखोगी ना एकदम। सुनिए ना जी, क्या लगता है मनुआ निकिया का क्या हुई? हमको तो लगता है कि वो मनुआ सिर्फ निकी को घर में सिर्फ ऐसे के लिए ना, दिखने, लेकिन खूब पत्ता दे रहा है जी, वो तो देगा ही पत्ता। ये जजवा तो दिख ही नहीं रहा है, वो तो कल दिखा ही नहीं, कल नहीं दिखा, परसों नहीं दिखा, प्रोमो में भी नहीं दिख रहा है, क्या हो गया है ओकरे, नहीं दिख रहा है। जितना उसके अंदर कॉन्फिडेंट, ओवर कॉन्फिडेंट, ओवर कॉन्फिडेंट, सही बोल। आई जी अभिनव अब सही जा रहा है, जा रहा है हाँ, क्या बोलती है? हमको तो लगता है अभिनव अच्छा खेल रहा है और अब छोड़ने नहीं वाला है जसवा को। हाँ, वो कैसे बोला था कल जसवा को, सही बोल रहा है एजाज। हमको लगता है ना इसी में अर्सी के पीछे इर्द गिर्द घूम रहा है, और अर्सी ये जो ग्रुप भी बना है ना जी, अलिया, जस्मिनिया, रुबिनिया, अभिनव, इन लोग सबका एक जो ग्रुप बन गया ना, सब मजबूत मजबूत रौन दे जी, रौन देगा इन सब सारे लोग जो है ना, चैलेंजर्स लोग जो आए हैं, देखते हैं क्या कहते। पर राखी यार, हमको तो राखी इतनी अच्छी लगी ना, मतलब कुछ बोलो, कितना कितना गरम माहौल था कल, लेकिन वो कैसे हंसी के हमें ठाके दे रही थी, हम तो बड़ा हंसे उसको देख देख। रखिया भी, राहुलवा भी, महाजनवा ठीक पता है तुमको, कल वो जब बोली ना निक्की की अश्लील बातें करता है, पर हमको तो कभी ऐसे सुनाई नहीं दिया राहुल कभी अश्लील बातें, खाली नहीं एक दिन बोला रहे कि तुम लोग ऐसे, तुम लोग लड़ाई भी करते हो तो आप जनाब करके करते हो, गाली गलौज करो मां, वो तो करते हैं जब अपने पे आते हैं तो, सही कभी कभी हर कोई करता है। अर्सिया भी बोल रही थी कि गाली नहीं देना, ऐसे बदतमीजी करके आया, तुमसे ज्यादा बदतमीजी, बदतमीजी जरूरी नहीं है कि गाली बको तो ही होगा, तुम जो एकदम घुस के मुंह पे चढ़ के बोल रहे हो, जो तुम्हारे मुंह में आता है तुम बकती हो, भले ही तुम्हारा इतना उर्दू जो तुम हुकूक और कोची लाती है बीच में, ओकरे से का हो जाएगी जी वोट मिलिए का, एकदम सही बोली। और तुमको पता है कल हम ये बात बड़ा नोटिस किए कि उम्र को लेके इतना काहे सब रोते हैं रे, हमारी सास इतनी बुढ़ा गई है लेकिन वो अपने आप को जवान से कम नहीं समझती है, सच डच के बैठी रहती है। सही, बुढ़िया लोग में जो ताकत होता है ना जी, क्यों में नहीं होता। वो कल कश्मीरा कैसे रो रही थी फूट फूट के, जी जब से कश्मीरिया आई है ना खाली रो रही है, वो बोल के आई थी कि जस्मिनिया रोती है, ये करती है वो करती है, तू कुछ कर रही हो, जस्मिनिया रोना बंद हो गया है, वो नई जस्मिन पार्ट 2 आ गई है, फिर कुछ बोले कश्मीरा 2.0। हाँ, निक्की पहले कश्मीरा पहले बोल रही है इसकी, हम सबको रुलाएंगे, खुद ही रो रही है, रो रही है, बढ़िया रुलाने वाली। कल राखी कैसे आके बोले हमको बड़ा मजा है, ये तो तुम्हारी गलती है, तुम लेट पैदा हुई, हमारी थोड़ा उकरी थोड़ा गलती, तुम लेट पैदा हुई। लेकिन गेमुआ में कश्मीरिया, रखिया और अर्सिया साथ है, वो तो साथ ही होंगे ना, हमको तो पहले से ही पता, तुमको बोल रहे, तुम ही बोली रही थी कि वो एक साथ हो जाएंगे, हो गए साथ ही, तो होगा ही होगा। निक्की को ही नहीं लेंगे क्योंकि जान रहे निक्की स्ट्रांग है, और निक्की चढ़ जाएगी। निक्की इंसाफ का भी बात करती है, इन लोग के अंदर उतना इंसाफ नहीं, खाली अपना मतलब का सोचते हैं जी। छोड़ो अभी हम लोग को जो ये कर रहे हैं उसका पैसा पता चला मैम काट ली, छोड़ो खत्म कर, हमको तो ऐसे। हाँ, वो हमारी सास जो है ना उनको जाके बोले, उनको पता चलेगा हम गुलाबों को मार के बोले गुंडागर्दी कर रही है, कृपा चलो हम जाके ना सब चुपचाप कर देते हैं, हम भी चले अपनी छुट्टियाँ ठीक कर। ठीक है चलो बाय। हेलो गाइस, मैं हूँ ज्योति पाठक, आप सबकी झुमरी भाभी। मैं हूँ शाइस्ता, आप सबकी रसीली। और जैसे कि आपने प्रोमो में देख ही लिया है कि रुबीना वर्सेस अर्शी खान इस तरीके से आज के पूरे एपिसोड में होने वाला है, तो मैं आप लोगों से जानना चाहूंगी कि पहले तो आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कौन सही कौन गलत, और आपको क्या लगता है शाइस्ता? मुझे लगता है कि रुबीना इंसाफ करती है तो वो एज यूजुअल इंसाफ ही करेगी, वो कुछ गलत नहीं बोलेगी, और वो गलत के हक में नहीं जाएगी। जो ये हक और हुकूक की वो बात करती हैं अर्शी,
तो वो असली हक और हुकूक रुबीना आज अपनी संचालक जो वो बनी है उसमें वो फेयर गेम खेलेंगी फॉर श्योर, क्योंकि उनके अंदर वो लुका छुपी और पीछे और ये सब की आदत नहीं है उन्हें, तो आई थिंक वो फेयर ही रहेगा जो भी गेम रहेगा। और साथ ही ये बताइए कि क्या लगता है कि जीत किसकी हो सकती है इस झगड़े में? इस झगड़े में जहां तक मैंने इतना देखा है तो ऐसे अंदर से आवाज आ रही रुबीना रुबीना रुबीना। वेल ये तो हमारी बात हुई, आप शाइस्ता की बात से कितने सहमत है कमेंट सेक्शन में बताइए, आपको क्या लगता है, जो भी कहना चाहते हैं बता दीजिए। और हाँ, देखते रहिए फीफा फूज इसी तरीके की मसालेदार हमारी वीडियोज के लिए।